जानी बहुत ज़बरदस्त लिरिसिस्ट है, उसका एक सॉन्ग था बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, सत्यानाश कर दिया सॉन्ग का फवाद तूने। अरिजीत सिंह ने बहुत ज़बरदस्त गाया था, विकी खुशहाल ने उसमें बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, मैंने उस सॉन्ग पर रिएक्शन दिया था, टिकटॉक की जान है ये सॉन्ग। अगर आपने मेरा रिएक्शन नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आई प्रेस कीजिए, बट शर्त वही है इस वीडियो के बाद। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम मौसम कुछ। हेलो गाइस, हाउ आर यू, मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। फिलहाल सॉन्ग क्या होता है? फिलहाल सॉन्ग का टाइटल है, अक्षय कुमार उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनका डेब्यू है, साथ में उनके नूपुर सनन कीर्ति सनन की सिस्टर हैं और उसको गाया है बी प्राक ने उसका म्यूजिक भी दिया है। उनका एक सॉन्ग था किस्मत, मैंने सुना हुआ है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, अमेजिंग सॉन्ग था और वही जो सक्सेसफुल टीम है यही सॉन्ग लेकर आई है। ऑल द पेन कंटिन्यूज, ज़बरदस्त एंडिंग लाइन है, क्योंकि मोहब्बत उस वक्त तक मोहब्बत रहती है जब तक आप ना मिलो, जब मिल जाते हो तो एक डिफरेंट रिश्ता हो जाता है। मोहब्बत होती है मगर वो नहीं होता, एक दर्द और एक कसक होती है दिल में, इंतज़ार की घड़ियाँ गिनना और बहुत सारी चीज़ें। मोहब्बत एक अजीब सी फीलिंग है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, मेरे थोड़े डिफरेंट ख्यालात हैं मोहब्बत के बारे में। लेकिन अक्षय कुमार और नूपुर सनन लुक्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त फिट बैठे हैं। अक्षय कुमार उनका परसोना देखा है, इट्स अ मेगा स्टार, मज़ा आया देख के। और अक्षय कुमार जस्ट नेल्ड इट। जानी क्या ज़बरदस्त लिरिसिस्ट है, मज़ेदार लिरिक्स लिखे, हार्ट टचिंग है, कोई ज़्यादा ओवर द टॉप लिरिक्स नहीं है, एवरीबडी कैन रिलेट है। और इस तरह की कहानी है जिससे हम और आप रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। आई थिंक 2 out of 10 जो लवर्स होते हैं उनके साथ यही इशू होता है, फैमिली इशूज, या माँ नहीं मानते, या बाप नहीं मानते, या घर वाले नहीं मानते। तो दिखाया अक्षय कुमार के साथ उसके लड़की के फादर ने बोला कि भाई मेरी इज्जत रख लो, ये मेरी पगड़ी तुम्हारे सामने है, अगर इस पगड़ी को ठोकर मारना चाहते हो तो ले जाओ उसको। तो अक्षय कुमार ने उनकी इज्जत रखी और साइड पे हो गया और शादी कर ली। ये नहीं बताया कि नूपुर सनन की भी शादी हुई है कि नहीं। अक्षय कुमार का दिखाया उन्होंने वाइफ का कॉल आ रहा होता है जब वो हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट दे रहा होता है। मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत, वाह, और उस अधूरी मोहब्बत का सामने आ जाना, ओहो क्या फीलिंग होगी यार। काफ़ी अरसे के बाद जब अधूरी मोहब्बत सामने आती है तो बंदा बस पूरी स्टोरी जो है सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है, और उसके बाद में बोलता है यार काश, और ये काश काश ही रह जाता है। अब जिस तरह नूपुर सनन की ख्वाहिश थी कि अक्षय कुमार को गले लगाए, प्यार से मिले, और जो दोनों के लॉकेट्स जो हैं पेंडेंट्स वो आदमी साथ में अटैच हो गए, ये उसकी ख्वाहिश थी कि किस तरीके करें। लेकिन जो असल में हकीकत में था उन दोनों में फासला था, अक्षय कुमार भी चाह रहा था कि वो मिले, बात करें, जो आखिरी कसक रह गई जो बात कहनी थी वो ना कह सका। दैट्स वाई ऑल द पेन कंटिन्यूस, अमेजिंग बनाया है सॉन्ग। यार मैंने सिंगर की तो बात की नहीं, BPraak की क्या अमेजिंग सिंगर है, बहुत करिश्मेटिक आवाज़ है, बहुत दर्द भरी आवाज़ है, लाउड है, लगती है दिल को। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये BPraak साहब अच्छा गाना गा रहे थे, दुबई क्यों पहुंच गए जब उनको दर्द है? दुबई तो बंदा हॉलीडेज मनाने जाता है मज़े करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड या डार्क सीन्स दिखाते उसको वॉक करते हुए तो ज़्यादा अच्छा होता। यार मैं एज अ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, बट BPraak ने बहुत ज़बरदस्त गाया है सॉन्ग, और उसमें जो एक एक्स्ट्रा जान डाली है ना, उसकी वजह से ही वो एक खिल के सामने आया है पूरा वीडियो। ओवरऑल अमेजिंग सॉन्ग। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को फैला दो अपने सोशल मीडिया पर, शेयर कर दो कि फवाद भाई का ज़बरदस्त रिएक्शन आया है, जाके देखो, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा रिएक्शन। सेल्फ प्रमोटिंग होनी नहीं चाहिए, इसको इग्नोर कर दो एक्चुअली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोज़।